हेलो एवरीवन, कसक काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ, उससे कंडक्टेंस से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली कर लोगे और बहुत फास्टली भी। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं, राइट। तो कौन कौन से फार्मूले आपको याद रखने हैं वो सिंपल मैं अपने ट्रिक से देने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, एक हाथ में पांच उंगली होती है, राइट। वैसे ही रफ़ी सर के यहाँ पे पांच पॉइंट है। अगर आपने ये पांच पॉइंट को सही से समझ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं है। ना तो इससे ज़्यादा फार्मूला आपको याद रखना है, ना इससे कम। आपके सारे के सारे क्वेश्चन गारंटीड है कि इससे बन जाएंगे। वेरी सिंपल, ध्यान से समझो ट्रिक या कंसेप्ट को, कि जो आप एक सेल लेते हो उसमें दो रॉड डीप होती हैं जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेंथ L से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A से रिप्रेजेंट किया है। बात समझ में आ गई? दो रॉड के बीच का लेंथ L और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। तो यहाँ पे एक वर्ड हम डिफाइन करेंगे, डेट इज पॉइंट वन, सेल कॉन्स्टेंट। वाट इज सेल कॉन्स्टेंट? डैट इज नथिंग बट जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है एल बाई इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एल बाई ए। इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करूंगा, डैट इज नथिंग बट लेंथ बाई एरिया। आप खुद ही सोचो यूनिट क्या हो जाएगा। अगर लेंथ को सेंटीमीटर में और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर, डैट मीन सी जी एस यूनिट में ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? सेंटीमीटर इनवर्स। ये सबसे ज़्यादा यूज्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। मीटर में क्यों नहीं करें सर? इतना बड़ा सेल तो होगा नहीं, समझ गए बेटा। लेकिन अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए तो फिर क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि वो यूनिट कौन सा दे रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर। 99% यही रहेगा, और अगर इसमें दिया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, तो मीटर इनवर्स हो सकता है। पॉइंट नंबर टू, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करूंगा, और वी नो कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो वन बाय रेजिस्टेंस, डैट इज वन बाय आर। यूनिट क्या होगा? तो वी नो के रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है, ध्यान दे यहाँ पे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, राइट। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका? ओम इनवर्स, राइट। नीचे में है तो, या उसी को इस साइड से बैक साइड से पढ़ो तो क्या बोलेंगे? महो। तो यही यूनिट उसकी भी रहेगी कंडक्टेंस की, या इसी को सीमेंस भी बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ध्यान दो, ये जो पॉइंट नंबर टू वाला है, ये जितनी भी यूनिट है सब की सब मैंने कौन सी ली है? ऐसा यूनिट है। ओम इनवर्स, महो, सेमन, ऑल आर ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। इसलिए रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, और यही यूज होता है चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। इसमें चेंजेज नहीं है, इसमें चेंजेज हो सकते हैं यूनिट को यूज करने में, इसमें ये फिक्स है, यही रहेगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में मोल फिक्स है, ऐसा यूनिट है और वही यूज होते हैं, उसके अलावा और कोई यूनिट यूज नहीं होती है। पॉइंट नंबर थ्री, डैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कंडक्टिविटी। देखो आईटी वर्ड, आईटी वाई वर्ड कहीं पे लग जाए, कंडक्टिविटी, या फिर उसी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान दें इन दोनों में डिफरेंस है, ये सिर्फ कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस के आगे स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया या फिर आईटीवाई वर्ड लगा दिया, तो ये सब क्या हो जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। एनी हाउ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको मैं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ये जो आपका सेल कांस्टेंट है इनटू कंडक्टेंस, मतलब फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने कहाँ पे आपको बताया? पॉइंट नंबर वन में, और ये कहाँ बताया? पॉइंट नंबर टू में, राइट। तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, डैट इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट इज नोन एज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगेन यूनिट ध्यान से देखो, तो कंडक्टेंस का आपको मालूम है साइमन फिक्स है, और अगर सेल कांस्टेंट को सेंटीमीटर इनवर्स में यूज किए तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बट अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो साइमन तो ऐसा यूनिट ही था, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। तो ये भी यूज हो सकता है, तो इसलिए ध्यान देना क्वेश्चन में केयरफुल्ली क्या यूज किया, ये यूज किया या ये। यहाँ पे एक यूनिट फिक्स है जो ऐसा यूनिट में, पॉइंट नंबर टू वाली कंडक्टेंस वाला। कंडक्टिविटी की जो यूज्ड यूनिट है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, और क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर की जगह मीटर यूज कर रहा है तो फिर ये ऐसा यूनिट हो जाएगा।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे पॉइंट नंबर 4 पे, पॉइंट नंबर 3 पे भी ये फार्मूला भी काफ़ी यूज होने वाला है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। और पॉइंट नंबर 4 डेट इज मोलर कंडक्टिविटी, वर्ड क्या यूज करेगा इसमें भी आईटी वर्ड लगा होगा लेकिन कंडक्टिविटी के आगे क्या लगा होगा, मोलर। तो कहीं पे भी अगर मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर मतलब मोलारिटी से रिलेट कर सकते हो, तो मोलर कंडक्टिविटी को लेमडा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसका फार्मूला सिंपल है, 1000 × K/m, डैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी जो है आपका वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोलारिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 1000 × K/m, यूनिट क्या होगा तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ध्यान दे साइमन ऐसा यूनिट, मोल ऐसा यूनिट, बट ये आपका CGS यूनिट है, तो ये एक यूनिट है और सबसे ज़्यादा ये यूज होते हैं, राइट। बट अगर सर हमको इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, अगर लेमडा एम को आपको ऐसा यूनिट में यूज करना है तो फार्मूला हो जाएगा फिर के, ये 1000 नीचे आ जाएगा, K/1000 × m। ऐसा क्यों हुआ वहाँ से हम समझ सकते हैं। और यूनिट अब ऐसा यूनिट में साइमन ऐसा यूनिट हो गया, मीटर स्क्वायर मीटर लेंथ ऐसा यूनिट हो गया, मोल तो ऐसा यूनिट हो गए, तो ये ध्यान रखना है ऐसा यूनिट में ये आपको दे सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 1000 नीचे कैसे हो गया, तो यहाँ पे के की यूनिट देखो, वेरी सिंपल, के की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, राइट। और मोलारिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर, लीटर को मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो वी नो 1 L = 1000 cm³। तो इसलिए अगर मैं मोलारिटी को कन्वर्ट करूँ तो मोल पर लीटर ऊपर चला जाएगा और 1 L = 1000 cm³, इसलिए वही 1000 आ रहा है, ये जो 1000 है वो कन्वर्जन का 1000 है, समझ गए। तो इसलिए लेमडा एम तो डायरेक्ट क्या है, K/m, 1000 एक फिक्स नंबर है, वो कैसा आया, मोलारिटी को मोल्स पर लीटर, तो मोल्स इसलिए मोल का इन्वर्स आ गया नीचे, और पर लीटर लीटर ऊपर गया, और 1 L = 1000 cm³, इसलिए वो 1000 आया आपका, तो ये सब फिर सेंटीमीटर में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे ऐसा यूनिट में लेना हो तो विनो मोलारिटी मोल्स पर लीटर और 1 L = 10⁻³ की होता है, राइट। तो 1 L तो मोल्स पर लीटर, लीटर क्या हो गया 10⁻³, तो वो कहाँ आ जाएगा नीचे, इसलिए ये 1000 नीचे आया है। तो आई होप ये पॉइंट समझ गए होगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेमडा एम 1000 × K/m, 1000 ऊपर रखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है और 1000 नीचे रखोगे तो मीटर स्क्वायर है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कॉमन है, क्योंकि ये ऑलवेज ऐसा यूनिट में यूज होते हैं, ओनली जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो लेंथ से। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हो तो ऊपर 1000 और मीटर स्क्वायर ले रहे हो तो नीचे 1000, कैसे आया तो सिंपल मोलारिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया है आइदर CGS यूनिट में या फिर ऐसा यूनिट में, समझ के बाद। एंड लास्ट पॉइंट डैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंडक्टिविटी होती है, जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इनवर्सली है, वैसे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के उल्टा चलते हैं। तो इसलिए कहीं पे क्वेश्चन को जस्ट लॉन्ग करने के लिए रेजिस्टिविटी दे दे तो मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको कंडक्टिविटी गिवन है, रेजिस्टेंस दे दे मतलब कंडक्टेंस गिवन है, एंड वाइस वर्सा। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक वर्ड लग जाएगा उसके आगे, ये हम जानते हैं। एक और होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जाए तो सब कुछ सेम रहेगा 1000 × K, मोलारिटी के जगह सिर्फ क्या आ जाएगा नॉर्मालिटी, और यूनिट क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल की जगह क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये जो मैंने आपको 5 टोटल दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन कौन है, 1 नंबर इसको भूलना नहीं है, राइट, 3 नंबर और 4 नंबर, इन सब पे बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे ही। यूनिट का खास ख्याल रखना है क्योंकि कभी कभी मैच द कॉलम में भी यूनिट पूछ सकता है, और इसके फॉर्मूले बस यही हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। अभी मैं आपको इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी, पॉइंट पे ध्यान देना, ITY वर्ड लगा हुआ, रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस, रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, ध्यान दे ओम तो ठीक है सेंटीमीटर CGS यूनिट वाला ही है, इट्स मोलर कंडक्टिविटी, क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, और वो सम नंबर इंटू 10⁴ है, अगेन यूनिट ध्यान दे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल है ये, आपको क्या दिया है ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी रो दिया है कितना 5 × 10⁻³, तो ये रेजिस्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी के कितना हो जाएगा 1/5 × 10⁻³, राइट।
और हमसे क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम, लेमडा एम क्या होता है, 1000 इंटू के बाई मोलारिटी, क्यों, क्योंकि यूनिट ध्यान से देखो, ओम इनवर्स मतलब क्या हो गया भाई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स ये वाला यूज करना, इसलिए 1000 ऊपर, सेंटीमीटर होगा तो 1000 ऊपर, मीटर स्क्वायर होता तो 1000 नीचे, डेट्स इट, बाकी के बाई एम एज इट इज होता। अब पुट कर दो 1000 इंटू के, आपको देखो वही डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्ट वे में रेजिस्टिविटी दे दिया है, तो 1/5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो गया, और मोलारिटी आपको गिवन है कितना, 0.8, तो यहाँ पे क्या कर दो 0.8। तो अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 4 में बनाना है, तो अब देखो तो ये 10 की पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू 1/ ये 8 × 5 = 40, तो ये 4, राइट। तो 10 की पावर 4 में ले जाना, तो इसको क्या लिखेंगे, 100 इंटू 10 की पावर 4/4, तो 4 से ये 25 टाइम्स में कट जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 25, सो योर आंसर विल बी 25 इंटू 10 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखो, तो आपको क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, सेल कॉन्स्टेंट आपको गिवन है, एक सेल कॉन्स्टेंट गिवन है, फिल्ड विथ 74.5 पार्ट्स पर मिलियन ppm, सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 100 ओम, क्या हमको गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, राइट। तो ये सॉल्यूशन वन है। एक दूसरा सॉल्यूशन है, व्हेन द सेम सेल कहने का मतलब क्या हो गया, सेल कांस्टेंट वही रह जाएगा, राइट, क्योंकि सेल अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो चुका है और एरिया फिक्स, तो मतलब सेम सेल कहने का मतलब सेल कांस्टेंट अभी भी 129 है, इज फिल्ड विथ KCl सॉल्यूशन ऑफ 149, दैट मींस अब इसको कंसंट्रेशन को चेंज किया उसने, 149 पार्ट्स पर मिलियन, द रेजिस्टेंस इज 50 ओम, अब रेजिस्टेंस 50 ओम हो गया है, तो रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 एंड 2, डैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट सेल बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेकंड सेल, वेरी सिंपल। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, 1000 इंटू के 1 बाय एम 1 बाय 1000 इंटू के 2 बाय एम 2, ये 1000 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल क्या हो गया, ध्यान से देखो, सिंपल हो गया के 1 और एम 2 ऊपर चला जाएगा, एम 2 बाय एम 1 इंटू के 2। तो ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कंडक्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, 1/ रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो आप ध्यान से देखो जो कंडक्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होगा, और सेल कांस्टेंट चूंकि सेम सॉल्यूशन है तो दोनों में सेम होगा, तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, के वन की जगह क्या हो जाएगा 1/r1, तो इसको लिख सकते हैं, के टू की जगह 1/r2, तो क्या हो जाएगा, r2 रेजिस्टेंस 2 का इंटू मोलारिटी r1 m1। अब मोलारिटी कैसे निकालेंगे, तो पार्ट्स पर मिलियन आपको गिवन है, राइट, पार्ट्स पर मिलियन है, क्योंकि जो भी चेंजेज होगा इसमें मोलर मास है वो दोनों सेम ही है, KCl सॉल्यूशन ही है, और जो चेंजिंग फैक्टर है वो भी सेम ही है, तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको मोलारिटी में पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, R2 आपके पास कितना रेजिस्टेंस टू 50, और M2 कितना ध्यान से देखो तो 149, डायरेक्ट पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेशियो है, और नीचे में R1 रेजिस्टेंस कितना आपका 100 और इनटू में 74.5, तो ये ध्यान से देखो, तो ये 52 द और ये पूरा कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन हमें जो आंसर बताना है वो x इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो x को क्या होना पड़ेगा 1000, तभी 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1000। तो ध्यान से देखो, वेरी इजी है, बस फार्मूला बेस है, आप ध्यान से देखो दोनों प्रॉब्लम में मैं वो जो 5 पॉइंट आपको दिए उससे बाहर यूज नहीं कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 मोल्स 20 ml NaCl सॉल्यूशन इज लेमडा M1, एक का लेमडा M1 है, और फिर 20 मोल्स एंड 80 ml NaCl सॉल्यूशन का लेमडा M2 है, तो लेमडा M1 एंड लेमडा M2 में क्या होगा, और ये कंडीशन गिवन है, ये पॉइंट को ध्यान से देखना है, कंडक्टिविटी जो दोनों सेल की है वो सेम है, तो अगेन अपना फार्मूला क्या, वेरी सिंपल है, लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई मोलारिटी, राइट। अब ध्यान से देखो,
कि दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं लेमडा एम टू बाय लेमडा एम वन। तो ध्यान से देखो जब, तो ये 1000 तो कैंसिल हो जाएंगे, और ध्यान से देखो तो के भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, इन्वर्सली मोलारिटी के, तो 2 यहाँ है तो नीचे में हो जाएगा एम टू एम वन। राइट, मोलारिटी निकाल सकते हैं क्या? तो वेरी सिंपल, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल्स 1 का कितना है 10, और वॉल्यूम कितना ध्यान से देखो 20। कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि इसका भी एमएल में रेशियो है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और M2 का कितना है 20 बाय कितना हो जाएगा 80। तो ये कितना आ गया इधर से 1/2, और ये 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। राइट, तो कितना आ जाएगा ये 2। तो इसकी लेमडा M2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा M1। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर, दैट मीन्स मोलारिटी दे दिया, के सेल सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज दिस, इफ कंडक्टिविटी ऑफ अगेन सेम सॉल्यूशन इज गिवन टू यू 0.152 × 10³-3, ध्यान से देखना यूनिट सैमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो सेल कांस्टेंट आपको पूछा गया है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा 10³-3 में। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, अगेन वी नो सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं, कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। राइट, हमें ये निकालना है। अब कंडक्टेंस नहीं गिवेन है सर, तो क्या करें? तो भाई रेजिस्टेंस गिवेन है ना, तो क्या लिख सकते हो कंडक्टेंस को 1/resistance × L/A, ये तो हमें निकालना है, तो हम इसलिए कह सकते हैं L/A इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। क्या हमें कंडक्टिविटी गिवन है? यस, 0.152 यूनिट सेमन सेंटीमीटर इनवर्स, और 10³-3 है तो 10³-3, और रेजिस्टेंस आपका गिवन है यस 1750। तो ध्यान से देखो, एग्जाम में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना था, 10³-3 में रखना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 266 × 10³-3। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा आपका 266। तो आप देख सकते हो एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ये सब PYQ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल विथ सेल कांस्टेंट आपको गिवन है। ध्यान से देखो, सेल कांस्टेंट गिवन है, और मोलारिटी गिवन है आपको, और रेजिस्टेंस गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको रीड कर लेना है। मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, तो लेमडा एम क्या होता है 1000 × K/m। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इस यूनिट में चाहिए। राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, मोलारिटी भी गिवन है, सिर्फ के डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो के क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। राइट, और कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं, 1/resistance × सेल कांस्टेंट। 1/resistance आपको गिवन था, ध्यान से देखो, 1500, और L/A सेल कांस्टेंट आपको गिवन था 1.14। इसको पुट कर दो अब यहाँ पे, तो लेमडा एम इज इक्वल टू 1000 × K की जगह आप ये पुट कर देंगे, तो 1.14 डिवाइडेड बाय 1500, और मोलारिटी आपका ध्यान से देखो 10³-3 है, तो ऊपर में ही वो 1000 चला जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ये आप कट कर दो, इसका भी चाहो तो आप 100 नीचे ले लो, तो ये 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 1140/15, जिसको कट करोगे तो आ जाएगा 760। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 760। सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक KCl सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी अगेन आपको गिवन है। ध्यान से देखें, कंडक्टिविटी गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है आपको, वही सेम सेल है, इस पॉइंट पे ध्यान देना, अगर सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम सेल है फिल्ड विथ ए HCl सॉल्यूशन, तो रेजिस्टेंस कहाँ पे आ जा रहा है, 1.03 ओम पे, तो कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन का बताना है। तो ध्यान से देखो, अभी आपको बताया कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं, 1/resistance × सेल कांस्टेंट, बस इतना ही फॉर्मूला है। राइट, तो ये एक बार KCl सॉल्यूशन का दिया है, दूसरी बार HCl सॉल्यूशन का पूछ रहा है, बट सेम सेल है, तो सेम सेल है तो अगेन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स होगा, डेट मीन्स
L बाई एफ फिक्स होगा, राइट। तो मैं L बाई ए निकाल लेता हूँ फॉर KCL के लिए, तो L बाई ए KCL के लिए जो होगा वही L बाई ए HCL के लिए होगा, और यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, तो L बाई ए क्या हो जाएगा, K इंटू आर। क्या कंडक्टिविटी गिवन था आपको, यस 0.14, ध्यान दें साइमन मीटर इनवर्स है, मतलब SI यूनिट में चल रहा है, इट्स ओके फाइन। रेजिस्टेंस आपका ऑलरेडी SI यूनिट में है, तो इनटू में हो जाएगा वो 4.19, ये आ जाएगा राइट। अब ये फिक्स रहेंगे, अब हमें क्या निकालना है कि कंडक्टिविटी HCl, तो कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1.03 इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट अभी भी वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0.14 इंटू 4.19। आपको कैसे बताना है 10 की पावर माइनस 2 में, तो आगे की क्या वैल्यू होगी, तो आगे की क्या वैल्यू होगी वो तो हम देख लेंगे, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया राइट, और ये 14 का 100, इसी 100 को मैं लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 14 इंटू 419 बाई 103 और ये 10 की पावर माइनस 2, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा आपको 57 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो योर आंसर विल बी 57। तो अब ध्यान से देखो कि आपको बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अब जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज करेंगे, तो डाउन एरो मतलब कम करेंगे तो, और ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए। देखो ये कोई ऐसा नहीं रटने वाली बात है, सिंपल सी बात है, अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का कम क्या मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस कम हुआ, तो आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सिंपल। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 कि लेमडा एम 1000 इंटू के बाई मोलारिटी होता है, तो अगर हम लेमडा एम को इंक्रीज कराना चाहते हैं तो मोलारिटी या कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है, तो रटना नहीं ये सब। पॉइंट नंबर 3 डाइल्यूशन अगर इंक्रीज करा दिया राइट, तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन इंक्रीज करना मतलब मोर आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, तो पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे राइट। टोटल आयंस तो उतने रहेंगे लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाएंगे क्योंकि नीचे में वॉल्यूम का डिवाइड बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे बेस्ड बनते हैं। तो आई होप ये कंडक्टेंस वाला पार्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा, पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, जितना मैंने 5 फार्मूला बताया है बस उसी को सही से समझ लेना, उसके अलावा कुछ और नहीं है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।